लगातार प्रदेश में कोरोना के मामलों में कमी होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ अब कोरोना के नए वेरिएंट यानी कि कप्पा ने चिंता बढ़ा दी है। और इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कप्पा वेरियंट डेल्टा प्लस से ज्यादा गंभीर नहीं है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसका इलाज संभव है। वही रघु शर्मा ने यूपी में लागू जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा है। राजस्थान में कोरोना के नए वेरिएंट कप्पा की पुष्टि हुई है। 11 कप्पा से जो मरीज है वो मिले, कप्पा के मरीज मिले हैं। हमारे साथ में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा मौजूद हैं। सर, कप्पा के मरीज मिले हैं, आपने संपूर्ण प्रदेशवासियों से अपील भी की है कि आपको अतिरिक्त सतर्क रहने की ज़रूरत है। किस तरह का ये वेरियंट है, कितना घातक है और राजस्थान वासियों को कितना सतर्क रहने की ज़रूरत है? ये 4 केसेस तो मिले अलवर में, 4 जयपुर में, 2 बाड़मेर में और 1 भीलवाड़ा में। कुल 11 केसेस ऐसे कप्पा वेरिएंट के मिले हैं। और हमने कहा है कि ये वेरिएंट अपनी नेचर बदलता रहता है, कभी डेल्टा के रूप में, कभी डेल्टा प्लस के रूप में, कभी कप्पा के रूप में। लेकिन ये वेरिएंट डेल्टा और डेल्टा प्लस की तुलना में हल्का वेरिएंट है, कोई खतरा नहीं है। लेकिन खतरा नहीं होने के बावजूद सावधानी किसी को नहीं छोड़नी चाहिए। जिस ढंग से हमने जब अनलॉक किया है, SOP जारी की छूट के साथ, लोग असावधानी कर रहे हैं, भीड़ में एकत्रित हो रहे हैं, जिस ढंग से मारामारी हो रही है, जहाँ भी बाजारों में देख लो, कोई धार्मिक स्थल पर देख लो, मैं समझता हूँ कि आप तीसरी वेव को आमंत्रित कर रहे हैं ऐसा करके। सर, इस समय देश में एक और चर्चा चल रही है, वो है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर चर्चा चल रही है। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या देश में इस वक्त ये अब सबसे बड़ी ज़रूरत है? देखिए, आप अगर योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं, वो तो यूपी में चुनाव है इसलिए बोल रहे हैं, और उनका एंगल तो कुछ और हो सकता है। लेकिन ये बात देश के प्रधानमंत्री को कहनी चाहिए, क्योंकि हर राज्य में, पूरे देश में बढ़ती हुई आबादी चिंता का विषय तो है ही है। तो सिर्फ एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, वो भी चुनावी दृष्टिकोण से बोले, उसको तो मैं सिरे से खारिज करता हूँ। लेकिन राष्ट्रीय पैमाने पर इस पर बहस जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इंदिरा गांधी ने एक ज़माने में हम दो हमारे दो का नारा दिया था, वो भी 40 साल पुरानी बात हो गई। तो आज देश में जो बढ़ती हुई आबादी है, वो तो नियंत्रण तो होना चाहिए, उस पर प्रधानमंत्री जी को राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करनी चाहिए, एक डिबेट हो पूरे देश के अंदर, और उसके बाद हम किसी नतीजे पर पहुँचें और जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण हम कर पाएँ, तो मैं समझता हूँ राष्ट्रीय हित में होगा। तो राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, जिन्होंने कोरोना को लेकर स्पष्ट लोगों से अपील की है कि अगर आप इसी तरीके से तमाम जो प्रोटोकॉल बनाए गए हैं उनकी पालना नहीं करेंगे तो एक तरीके का ये थर्ड वेव को आमंत्रण होगा। सहयोगी भूषण सोनी के साथ आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। तो चलिए, इधर प्रदेश